नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरी एफएम 92.8 मेगाहर्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriafm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव। कार्यक्रम अपन गांव के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे रुन यादव। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष सहयोगरत बानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन कुमार यादव जी। आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम अपन गांव हरेक रोज सजिया 7 से 8:30 बजे तक लगातार 1.5 घंटा अपने सब सुनेनी। कार्यक्रम हरेक रोज के हमनी के प्रयास होकेला हमनी के गांव ठाऊ के अवस्था के बारे में चर्चा परिचर्चा करे के हमनी के गांव ठाऊ के विश्व भर में जोन ई कोरोना वायरस के कारण से महामारी के कारण से अनेकों प्रकार के समस्या सब सिर्जना भइल बाटे। हरेक समस्या के ऊपर हमनी के ध्यान संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार के ध्यान केंद्रित करी, गंभीर ध्यान आकर्षण करी और अभी के अवस्था में जे भी हमनी के सर्वसाधारण आम जनता गरीब किसान लगायत अति विपन्न लोग के दैनिकी में अनेकों प्रकार के समस्या से सृजना भइल बाटे। वहाँ लोग के समस्या के कुछ हद तक कार्यक्रम अपन गांव के माध्यम से समाधान करे के निकास के बारे में प्रयास करी कह के हमनी के प्रयास होकेला। आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम में आज भी हमनी के अपने के गाँव ठाऊ के बारे में ही बहुत सारा बातचीत करें। विश्व भर में महामारी के रूप में फैल रहा कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 यानी कि नोबेल कोरोना वायरस के कारण से विश्ववासी के ही दैनिकी में अनेकों प्रकार के समस्या सब सिर्जना होके के अनेकों प्रकार के समस्या से जूझे के अवस्था बाटे। और ए घड़ी में विशेष करके कुछ ऐसन निकाय सब बाटे, कुछ ऐसन पक्ष सब बाटे, कुछ ऐसन व्यक्तित्व लोग बानी वहाँ लोग के विशेष सक्रियता होना ही जरूरी बाटे। जैसे कि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, संचारकर्मी, वही तरह से नेतृत्वकर्ता लोग सरकार, ई चार गो लगभग ई जोन निकाय बाटे कहीं ना कहीं से ई निकाय सबके आज के विषम परिस्थिति में कुछ हद तक ज़्यादा सक्रिय होके के चाहिए। लेकिन बहुत ऐसा जगह पर वहाँ लोग के नेतृत्वकर्ता लोग के उच्च सहभागिता ना होके न्यून सहभागिता होके के देखल जा रहा बाटे। क्वारंटाइन सब में दयनीय अवस्था बाटे। क्वारंटाइन में भारत से और भारत लगायत तेसरो मुल्क से आइल बहुत ऐसा हमनी के नेपाली जनता बानी वहाँ लोगन अल्पत्र में बानी। नेपाल में भी भारतीय बहुत ऐसा नागरिक बानी वहाँ लोग भी अल्पत्र में बानी। केहू 50-100 किलोमीटर पैदल चल के आइल बानी और वहाँ गांव में जब आवतानी गांव के लोग वहाँ से घृणा करे लागतानी। पता न कोरोना वायरस के कारण से हमनी के अनेकों समस्या तो बढ़ले बाटे लेकिन हमनी के बाहर से आइल लोग भारत लगायत अन्य अन्य मुल्क सबसे आइल जे लोग बानी वहाँ लोग अपन जान के कहीं ना कहीं बाजी रख के वहाँ सब सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के 200-300 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अपन गांव में अपन देश में चलतानी। वहीं जियल जाए, वहीं मरल जाए ऐसा सोच लेके आइल लोग के साथ हमनी के गांव ठाव में गलत व्यवहार करे के देखल जा रहा बाटे। बड़ा दुख लागता ये बात सुन के ऐसा व्यवहार ऐसा क्रियाकलाप देख के। आदरणीय श्रोता मित्र हमनीय मानव जाति हैं, हमनीय विश्व सृष्टि के हमनीय बुद्धिजीवी प्राणी हैं, हमनीय विवेकशील प्राणी हैं। आज कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा हो चुकल बाटे और अंतर आत्मा से रउआ भी इस चीज़ के महसूस करें अपने के भी लागे कि वास्तव में हमनीय के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हमनीय के हमनी से तो बहुत ऐसा जानवर बाटे जोन हमनी से बढ़िया जिंदगी जी रहा बाटे, बढ़िया सोच के हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र वास्तव में आज के विषम परिस्थिति में कोरोना वायरस के विरुद्ध के महालड़ाई में आज हमनी के एकवद्धता होना ही जरूरी बाटे, एकता होना ही जरूरी बाटे। हमनी के मिलजुल के कोरोना वायरस के लड़ाई के विरुद्ध में खड़ा उतरे के बाटे। हमनी के एक दूसरा के सहयोग करे के बाटे। हमनी के एक दूसरा में मेल मिलाप कायम होना ही जरूरी बाटे। आदरणीय श्रोता विगत दिन में कहीं पर धर्म के लेके अनेकों चर्चा परिचर्चा चलत रहे, धर्म के एक दूसरा के किटासाइड करे के हमनीय के समाज के लोग रहनी। आज के दिन में अब विदेश से आइल लोग अपने परिवार में अपने परिवार के लोग से अपहेलित बानी, ये बड़ा दुख के बात बाटे। ऐसा सोच के अंत्य करी तबे हमनी के कोरोना विरुद्ध के महालड़ाई में सफलता हासिल कइल जाई। आदरणीय श्रोता हमनी के मुल्क हर बार इस चीज के रेडियो भोजपुरिया एफएम से हमनी के बोलते आ चुकल बानी लेकिन हमनी के बोलल बात के खास वैसा चीज बहुत ऐसा मीडिया सबसे भी इस चीज़ के प्रसारण होखेला। सामाजिक जनचेतना मूलक कार्यक्रम सब भी संचालन हो रहा बाटे हरेक स्थानीय
एफएम रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन चैनल, सामाजिक संजाल के माध्यम से कुछ लोग एकर भड़कावे के, दंगा फसाद करावे के भी, वाद विवाद करावे के भी काम कर रहा बानी। लेकिन आदरणीय श्रोता, कहीं ना कहीं से ये जोन हमनी के अपन मानवता के जहाँ तक के बात बाटे, हमनी के कहीं ना कहीं से आज उ चीज के बुझे नहीं की सकत कि का समस्या बाटे, जेकरा कारण से आज हमनी मानव जाति पूरा विश्व के पक्षी उपंसी हजारों लाखों प्रजाति के पशी पंछी बा धरती पर, लेकिन हरेक पशु पंछी कहीं ना कहीं से स्वतंत्र रूप से बाटे। मानव जाति एक ऐसा प्राणी बानी जोन आज लॉकडाउन में अपने घर में घेराइल रहतानी, कहीं ना कहीं से ई हमनी से कहीं पर गलती भइल बाटे कि हमनी से कहीं पर भूल त्रुटि भइल बाटे कि आत्म मूल्यांकन करे के दिन में भी आज देखी ना कितना दुख के बात बाटे। विश्व के खरबपति लोग करोड़पति पर झर गईनी, अरबपति लोग करोड़पति पर झर गईनी, लखपति लोग हजारपति पर, हजारपति लोग के घर में खाना नहीं खे, ऐसा समस्या सिर्जना होखे के अवस्था में भी हमनी के नेपाल के नेतृत्वकर्ता लोग, नेताजी लोग कहीं ना कहीं से अपन घर भरे के, अपन लोग के देखे के, धनी के लोग के राशन राहत सामग्री उपलब्ध करावे के, गरीब लोग के साथ कखा पखा करे के, सब चीज देखल जा रहा बाटे। एकरे कहल जाला मानवता, सभी नेतृत्वकर्ता लोग से इस सवाल बाटे का एकरे के कहल जाला मानवता। ऐसा चीज हरेक गांव में, हरेक टोल, हरेक वार्ड में देखल जा रहा बाटे। आदरणीय जनप्रतिनिधि लोग, आज के दिन में रउआ लोग निष्पक्ष जोन गीता के ऊपर हाथ रख के कसम वादा क्रिया खैले रहनी कि अहो रात्रि जनता के नौकर बन के हमनी के सेवा करेम वोट मांगे के दौरान, उ चीज के रउआ लोग भूल रहा बानी। याद रहे, पाँच साल के खातिर रउआ लोग के खातिर कुर्सी मिलल बाटे, पाँच साल तक ही रउआ लोगन इ कुर्सी के विरासत रहे, ओकरा बाद में फिर आम नागरिक रउआ के भी हमनिये जैसे ऐसन के पहले जैसन रहनी वैसन के फिर रहे, फिर जनता के दुआरी पर आधा रात के 12 बजे खटखटावे जाए, केमारी खोलवाएम, 500 रुपया बियर बिरयानी इत्यादि देम और फिर से रउआ उहे वोट के दलाली करे के खातिर सामने वाला के घर में निकलेम। याद रहे, कहीं वो दिन ऐसा ना होगे कि सामने वाला चोर के हल्ला लगा के रउआ के बोरा मुंह में घुसा के दय पिटाई न करे, ऐसा भी दिन आ सकता। जन जन में जन चेतना जागृति फैल रहा बाटे, दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुकल बाटे, कहीं ना कहीं से इस चीज के अपने के सोचे के पड़ी। निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से एगो गरीब निमुखा और सभी जनता के खातिर वह निर्वाचित भलवानी, सभी जनता के बारे में सोचे के, सभी जनता के देखे के आज अपने के दायित्व जिम्मेवारी बाटे। जो ना जिम्मेवारी से बहुत ऐसा राजनीतिकर्ता लोग भाग रहा बानी, पाछे भाग रहा बानी, खैर ओकर हिसाब तो जनता आवे वाला दिन में जरूर करी। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम में फिर से स्वागत बा अपने सबके, दोनों हाथ के 10 उंगली जोड़ के नमस्कार बा। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहा बानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन कुमार यादव जी, कार्यक्रम के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे अरुण यादव, और अपने के गांव ठाऊँ के जनता के भी हमनी के बहुत सारा बात विचार कार्यक्रम के माध्यम से सुनेम, अपने के जनप्रतिनिधि तक अपने के गांव ठाऊँ के समस्या के बारे में पहुँचावे के प्रयास करम इहे कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम अपने सबके पूरा विश्व भर के बारे में थोड़ा सा जानकारी करावे के चाहे, विश्व भर में के लेखा कैसन अवस्था बाटे, कोरोना वायरस के महामारी से लेके विश्व भर के कैसन अवस्था बा, जेकरा बारे में हम अपने के ताज़ा जानकारी करावे के प्रयास करें। विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 54,34,617 हो चुकल बाटे, जोना में से मृत्यु होके वाला के संख्या 344,504 हो चुकल बाटे, और उपचार होके यानी कि ठीक होके घर फरके वाला के संख्या कहीं ना कहीं से 22,73,150 हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, विश्व भर के 215 देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे अभी तक। वही तरह से विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे ज़्यादा दयनीय अवस्था रहल बाटे कोरोना वायरस से लेके। अमेरिका में ही सिर्फ कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 16,67,935 हो चुकल बाटे, और आज दिन भर में एक दिन में थप 22 आदमी के मृत्यु भइल बा अमेरिका में। जमा मृतक के संख्या अमेरिका में 98,705 हो चुकल बाटे। दोसरो नंबर पर प्रभावित मुल्क अंतर्गत ब्राजील रहल बाटे। विश्व के जल स्रोत में सबसे धनिक मुल्क ब्राजील, ये सब देश कहीं ना कहीं से विश्व के
धनिक देश समय बाटे उहे देश समय सबसे ज्यादा कोरोना भाइरस आतंक मचैले बाटे ई सब चीज हम रिपोर्ट के माध्यम से अपने सबके देखा रहल बानी, प्रस्तुत कर रहल बानी। विकसित देश के ई अवस्था बाटे, ब्राजील में कोरोना भाइरस संक्रमित के संख्या 3,49,113 हो चुकल बाटे, मृतक के संख्या 22,165 हो चुकल बाटे, रसिया में संक्रमित के संख्या 3,44,481 हो चुकल बाटे, मृतक के संख्या 3,541 हो चुकल बाटे, स्पेन में संक्रमित के संख्या 282,370 हो चुकल बाटे, मृतक के संख्या 28,678 हो चुकल बाटे, यूके में संक्रमित के संख्या 257,000 हो चुकल बा, मृतक के संख्या 36,675 हो चुकल बाटे, इटली में संक्रमित के संख्या 229,000, मृतक के संख्या 32,735 हो चुकल बाटे, फ्रांस में संक्रमित के संख्या 183,000, मृतक के संख्या 28,332, जर्मनी में संक्रमित के संख्या 180,000, मृतक के संख्या 8,369, टर्की में संक्रमित के संख्या 156,000, मृतक के संख्या 4,308, ईरान में संक्रमित के संख्या 136,000, मृतक के संख्या 7,417, ओकरा बाद इंडिया 11 नंबर में विश्व भर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित सबसे ज्यादा प्रभावित होखे वाला मुल्क 11 नंबर पर भारत रहल बाटे। पड़ोस भारत में कोरोना वायरस के कहर तीव्र गति में अभी भी चल रहल बाटे, आज दिन भर में थप 33 आदमी के भारत में मृत्यु भइल बा कोरोना वायरस के कारण, और हर रोज सैकड़ों आदमी के 100 से 150 आदमी के मृत्यु हो रहल बाटे भारत में। भारत में आज एक दिन में 33 आदमी के मृत्यु भइल बा, और अभी तक दिन भर में 1496 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि हो चुकल बाटे। तो जमा संक्रमित के संख्या भारत में 1,32,919 हो चुकल बा, और मृतक के जमा संख्या 3,901 यानी कि 3,901 हो चुकल बाटे भारत में। आदरणीय श्रोता मित्र, ओकरा साथे साथ हमनी के पाकिस्तान के बारे में जानकारी करा दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कारण प्रभावित क्रमबद्ध रूप में कहल जाए तो 19 नंबर पर पाकिस्तान रहल बाटे। 19 नंबर पर आज दिन भर में थप 32 आदमी के पाकिस्तान में मृत्यु भइल बा, और एक दिन में अभी तक 2164 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे पाकिस्तान में। तो एकरा साथे साथ जमा संक्रमित के संख्या पाकिस्तान में 54,601 हो चुकल बाटे, और मृतक के संख्या के बात करें तो 1,133 यानी कि 1,133 हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, एकरा साथे साथ हमनी के अपन देश नेपाल के बारे में जानकारी करनी है, वही तरह से फिर से हमनी के जानकारी करावे के चाहे। ताजा जानकारी अनुसार नेपाल में आज दिन भर में थप नया 19 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि हो चुकल बाटे। जमा संक्रमित के संख्या नेपाल में अब बढ़ के 603 हो चुकल बा, और 3 आदमी के मृत्यु भी हो चुकल बाटे, 87 आदमी के उपचार होके ठीक भी हो चुकल बानी नेपाल में। और पीसीआर टेस्ट नेपाल एगो अति विपन्न कहीं ना कहीं से एगो विकासोन्मुख मुल्क के अंतर्गत नेपाल के टॉप 10 में ऊपरे नाम पड़ेला कहीं ना कहीं से। नेपाल में अभी तक जमा 48,815 आदमी के पीसीआर टेस्ट भइल बाटे। देखी विश्व के अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश में अपने के चाइना में 500,000 के माफ करें लाखों आदमी के एक दिन में टेस्ट होखेला, अपने के 20,000 आदमी संक्रमित पुष्टि हो जाला अमेरिका में। नेपाल में इतना दिन में आज 11 गते बाटे, 62 दिन से नेपाल में लॉकडाउन निरंतर रूप से चल रहा बाटे। 62 दिन के चेक जांच के बात करें नेपाल में अभी तक जमा 48,815 आदमी यानी कि 49,000 आदमी के मात्र चेक जांच भइल बाटे। 3 करोड़ नेपाली जनता के अगर चेक जांच करे के बात आ जाता तो सोची नेपाल के 3 गो पूछता बीत जाए तब तक भी 3 करोड़ नेपाली जनता के चेक जांच ना हो कि 3 गो पूछता में जनसंख्या भी पॉपुलेशन भी तब बढ़ी नू। आदरणीय श्रोता, नेपाल के खातिर ई सभी नागरिक के चेक जांच कर सकी ई असंभव बात बाटे कह के हमनी के कार्यक्रम के माध्यम से बारम्बार बतावते आ रहल बनी। यही से लॉकडाउन के पूर्ण रूप से पालना करी, लेकिन कहाँ के करेला ऐसाहू लोग जामा के बटम खोल के घूम रहल बाटे। युवा लोग क्रिकेट खेले वाला क्रिकेट खेल रहल बाटे, कैरम बोर्ड खेले वाला कैरम बोर्ड खेल रहल बानी, दारू पिए वाला भट्टी में जाके भीड़ भाड़ कर रहल बानी। आदरणीय जन समुदाय,
अभी त बदले के प्रयास करी। नेपाल भर के आइसोलेशन सब में अभी 513 आदमी के 513 गो कोरोना मरीज के उपचार चल रहल बाटे, जानकारी करावे के चाहे। क्वारेंटाइन सब में नेपाल में अभी भी 39,804 आदमी रह रहल बानी। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम में यह जानकारी के साथ साथ स्वागत करतानी अपने सबके, कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी, हमनी के कार्यक्रम में अपने जुड़ सकतानी। नंबर हमनी के खुला करे जा रहल बानी सर्वसाधारण आम जनता के खातिर, अपने अपना गाँव ठाँव के बारे में हमनी के कार्यक्रम में जुड़ के जानकारी करा सकतानी। कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी संचालन हो रहल बाटे, अपने सब कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी सुन सकतानी। वो चाहे www.radiobhojpuriafm.com के माध्यम से भी सुन सकतानी। हमरो पात्रो एप्स के माध्यम से भी भोजपुरिया एफएम सर्च करके सुन सकतानी विश्वभर में। वो चाहे फेसबुक पेज भोजपुरिया एफएम के भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ज भोजपुरिया एफएम के फेसबुक से अपने सब कार्यक्रम सुन सकतानी। भोजपुरिया एफएम के 3-4 गो फेसबुक बाटे, लेकिन 9803-65011 जोना में शो करता नंबर ऊ बाटे हमनी के ओरिजिनल फेसबुक। और ये फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम सुनतानी रउआ लोगन, तो एगो काम जरूर कर देम, पेज के लाइक करेम और बेल आइकन दबा देम, ताकि हरेक कार्यक्रम अपने सबके रेडियो शेयर तक हमनी के फेसबुक के माध्यम से पहुंच सके। इतना जरूर करेम, अपना दोस्त लोग में साझा जरूर करेम। कार्यक्रम भोजपुरिया एफएम के हमनी के भोजपुरिया वासी के खातिर ही हमनी के कार्यक्रम सब जे भी लेकर के आवेनी। हमनी के एक गो टारगेट होला कि हमनी के गाँव ठाँव के सर्वसाधारण जनता जोन आज कोरोना वायरस के कारण से अति प्रभावित बानी, केहू के बाल बच्चा लोग, केहू परिवार वाला लोग आज खाना के खातिर दूध छाक के कारण भूखे सूत रहल बानी या भूखे दिन बितावे पर मजबूर बानी, वहाँ लोग के हमनी के प्रयास बाटे कि वैसन परिवार वाला लोग के संबंधित निकाय वाला के गंभीर ध्यान आकर्षण करा के वहाँ के परिवार प्रति हमनी के कुछ सहयोग करवाई। बहुत ऐसा सहयोगी हाथ बाटे हमनी के समाज में, बहुत ऐसा सहयोगी दिल बाटे हमनी के समाज में, वहाँ लोगन के आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता बाटे। वहाँ लोग जरूर सहयोग करी वैसन परिवार के, अगर इतना भी नहीं के होखत तो 10 आदमी युवा लोग हरेक गांव गांव में बानी, हरेक टोल टोल में 10 गो युवा लोग के क्लब से बाटे, युवा क्लब बाल क्लब, वहाँ लोग के माध्यम से हमनी के कुछ चंदा राहत संकलन करवाएम। 10 गो युवा लोग के मिलवा के दू दू किलो चावर तो दे सकतानी गाँव घर के लोग, वैसन का चावर संकलन कर चावर से कोनो गरीब के जिंदगी चल सकता, आज के विषम परिस्थिति के टालल जा सकता। आदरणीय श्रोता, इस चीज़ के पूरा करे के जरूर अपने सभी प्रयास करें। और मानवता कहीं ना कहीं से मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, सहयोग ही सबसे बड़ा धर्म है, और इस चीज़ के पूरा करे में रउआ लोग पाछे ना हटेम। अब हमनी के नंबर खुला करे जा रहा बानी 9803-65013 के माध्यम से कार्यक्रम में अपने सब सहभागी हो सकतानी, कार्यक्रम में जुड़ सकतानी। 9803-65013 स्टूडियो नंबर बाटे। और फेसबुक में अपने सब कमेंट भी कर सकतानी, अपना गाँव ठाँव के बारे में कुछ समस्या बाटे नेपाली में बढ़िया से लिखेम, ताकि ओकरा के हमनी के पढ़ सकी और अपने के वड़ा अध्यक्ष मेयर जीव के कार्यक्रम में जोड़ के वहाँ से एकर समाधान के बारे में हमनी के पूछ सकी। इतना जरूर करें 9803-65013 के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी। साथे अपने सबके हमनी के बिहान जोन काल के बाद बाटे, काल रात के संजिया में चांद ना देखाइल पड़ल, जेकरा कारण से बिहान कहीं ना कहीं से ईद उल फित्र इस्लामिक धर्मावलंबी सबके महान पर्व ईद उल फित्र यानी कि ईद बिहान मनावल जा रहल बाटे। सभी इस्लामिक धर्मावलंबी वाला लोग के भोजप्रिय एफएम परिवार के तरफ से हम आरजे अरुण के तरफ से ढेरों सारा शुभकामना बाटे, ढेरों सारा बधाई देवे के चाहे। रउआ लोगन के एक महीना के उपवास कहीं ना कहीं से सफल हो चुकल बाटे और अपने के घर में सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करे के चाहे। साथे कोरोना वायरस विरुद्ध के महालड़ाई में हमनी के सफल हो सकेम कह के ढेरों सारा शुभकामना बा। रउआ लोग घर में रह के ही बिहान के जोन महान पर्व बाटे अपने के समय और अवस्था के मध्य नजर करते घर में ही रह के कार्य ई पर्व के मनावे के प्रयास करें। सुनील कुमार यादव जी सरलाही से लिख रहल बानी, और अपने सब कार्यक्रम में शेयर जरूर करें, अपना दोस्त लोग तक एकरा के साझा करे के प्रयास करें, लाइक जरूर करें। हेलो नमस्कार। स्वागत बा कार्यक्रम में, अपने के बगल में रेडियो बज रहल बाटे, रेडियो के साउंड थोड़ा सा कम करके बात करी न अपने। जी जी
कहाँ से की बोलो कहाँ से के बोल रहा बनी अपन परिचय बताई ना पहले कृष्णा जी 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 कैसन समाचार भाई अपने के छपकैया वासी के एक नंबर में तीन नंबर में सामान बताता दो में तो कुछ बताते नहीं मतलब अपने के सामान नहीं बताते वार्ड नंबर कितना छपकैया वार्ड नंबर दो से बनी कि एक से बनी दो में बनी सबने जी जी वार्ड नंबर दो में बनी क्या समस्या बाटे दो नंबर वार्ड नंबर दो वासी के पूरा नाम अपने बताई था अपन माफ करे हमनी के साथ में कृष्णा जी रहनी है आदरणीय श्रोता मित्र कृष्णा जी बतावत रहनी है कि छपकैया के वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर दो के बारे में संबंधित निकाय को वहाँ पर ध्यान आकर्षण होके और गरीब जनता के दुख सुख में साथ दी लोगन हमनी के इतने चाहे 9803-65013 श्रोता मित्र लोग के खातिर हमनी के नंबर बाटे अपने सब गाँव ठाव से जुड़ सकता नहीं हेलो नमस्कार हेलो हाँ नमस्ते सर जी नमस्कार स्वागत बा कार्यक्रम में कहाँ से की बोलत नहीं अपने सर हम बोल रहे हम लोग यहाँ पे एक मिनट सर सबसे पहले अपने के बगल में रेडियो बजता है रेडियो के साउंड कम करी या तो अपने 10 कदम दूर चल जाए रेडियो से तनका दूर जाके बात करी ठीक है सर आगे दूर आगे जी 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 हाँ जी सर हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पे हम लोग ये वार्ड नंबर 4 में हम लोग रहते हैं ये जो वाड़ा प्रहरी है ना एक मिनट सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप कहाँ से कौन बोल रहे हैं हम अरुण कुमार ठाकुर बोल रहे हैं सर हम लोग यहाँ के बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं सर नाम कौन ठाकुर बता रहे हैं आराम से बात कीजिए ना क्या नाम पूरा नाम अरुण कुमार ठाकुर हाँ जी अच्छा अरुण जी हम लोग दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं सर अच्छा दरभंगा बिहार के हैं आप लोग हाँ जी तो सर हम लोग घर जाने का ये लॉकडाउन खुल ही नहीं रहा जो कि हम लोग यहाँ पे सब फंसे हुए हैं जी जी हम लोग को सर अब खाना खाने में प्रॉब्लम हो रहा है जी 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 जैसे कि आप अभी कहाँ पर है कोना जगह पर फंसे हैं आप ये जो बिरसा पुलिस चौकी है ना बिरसा प्रहरी पुलिस चौकी जो है ना जी जी उसके ठीक सामने 5 तल्ला का मकान है उसमें हम लोग रहते हैं सर आए थे सर काम करने के लिए मजी यहाँ पे लॉकडाउन हो गया फंस चुके हैं हम लोग जी 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 मतलब काम करने के लिए वीरगंज में आए हुए थे कोना कंपनी में काम करते हैं आप कंपनी के नाम बता सकते हैं सर ये कंपनी नहीं है सर हम लोग का ये पीओपी का लाइन है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना क्या चीज प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी पीओपी जी जी हाँ जी उसी का काम हम लोग करते हैं सर पीओपी का माजी यहाँ पे मालूम नहीं आ पा रहा है हम लोग को काम अब होता नहीं है ये लेकर सर ये जो बोझा पे जो स्टील है वो सर कब तक खुलने का चांस है आप लोग सर कुछ बता सकते हैं अभी तो नेपाल में जैसे कि नेपाल में कहीं ना कहीं से आपको जानकारी होगा कि 20 घंटे तक लॉकडाउन का अवधि लंबाया गया है तो आज आप लोग का 11 घंटे है 9 दिन अभी लॉकडाउन के अवधि अभी है और कोई गारंटी नहीं है इसे और भी बढ़ाया जा सकता है फॉर्म भी भरने के लिए बोला तो सर फॉर्म भी भर के दे रखे अभी तक कोई ऑप्शन नहीं आया है जी जी मैं जोन आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूँ उस सवाल का सबके आप जवाब दीजिएगा कितने दिन से आप यहाँ पर रह रहे हैं नेपाल में वीरगंज में सर यहाँ पे आए हुए हमको हो गया तकरीबन 2-3 महीने हो गए 3 महीने से ऊपर हो गए 2 महीने तो लॉकडाउन हो गया उससे 1 महीना पहले हम आए थे अच्छा लॉकडाउन होने से 1 महीना पहले यानी कि लगभग 3 महीना से है यहाँ पर आप हाँ जी सर जी तो 3 महीना से आपका महीना दिन तो काम चला ही होगा हाँ महीना दिन काम किए हैं तो हम लोग सर 3 आदमी है तो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं जब से जी तो अब अपने गांव जाना चाहते हैं दरभंगा जाना चाहते हैं आप हाँ जी सर अभी क्या होटल लॉज वगैरह में रह रहे हैं कि नहीं सर वो घर है किसी मालिक का काम करने आए थे तो उनका घर है सर तो उसी घर में रहते हैं ये दिलका पुलिस चौकी जो है ना जी जी उसको ठीक सामने हम लोग रहते हैं चलिए आप एमबीसी से अभी बात किए कि नहीं नेपाल एमबीसी का नंबर है आपके पास सर रोज इंडियन एमबीसी करते हैं सर रोज फोन करते हैं सर उनको भी अच्छा फोन करने के बाद में क्या जवाब मिलता है आप लोग को वो ऑप्शन देता है जो कि हम लोग लगे हुए हैं बस इतना ही इसके आगे कुछ नहीं
नहीं नहीं लगे हुए हैं, तो इसका कब तक आप लोग मतलब फाइनल कर देंगे? इसका तो एगो लिमिटेशन डेट होना पड़ा ना सीमा? कोई रीजन नहीं दे रहा है सर। लगे हुए हैं, अब कब तक लगे रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। वही तो सर, हम लोग इतना नजदीक, हम लोग बिहार का है सर, तो हम लोग को कम से कम एक पेपर बना देता जो कि हम लोग ही कर सकते हैं आराम से, जो कि हम लोग का कोई खास दूर नहीं है यहाँ से। ठाकुर सर, कितने लोगों के साथ में आपके कितने दोस्त लोग हैं वहाँ पे? कितने लोग के? हम लोग 3 आदमी आए हैं सर। अच्छा, 3 दोस्तों के साथ में आप? 10 आदमी है सर, कलकत्ता का है, यहाँ पे मार्बल का काम करते हैं वो। तो खाना वगैरह कहाँ से, अपना पॉकेट से खाते हैं या फिर कोई आपका सावजी है वो खिला रहे हैं अभी कंपनी वाले लोग? नहीं, अपने अपने पॉकेट से खाते हैं सर, जितना वही 1 महीना जो काम किए थे ना। जी 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 जी, तो वही सर अभी तक खाना में ही ये खा रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम होगा तो सर ये लेके, इतना दिन से आपका सर FM सुनते हैं तो ये लेके सर आपका ही, हम लोग ऐसे नहीं कॉल करते थे, तो आज फिर सर अभी ज्यादा टाइम हो गया, आज 62 दिन हो गए, तो ये लेके सर आज आपको फोन किए। बिल्कुल। और आप MBC का नंबर जो है हम आपसे ऑफ ईयर में बात करेंगे, आपका नंबर कितना? 98048 53 699। जी हाँ जी सर, 98048 53 699। हाँ जी सर। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए, और जो आपका समस्या है इसके बारे में हम ऑफ ईयर में आपको बताएंगे फोन करके। जैसे कि MBC का नंबर भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पूजन जी को बोल रहे हैं ढूंढ निकालने के लिए। और क्या इसका निष्कर्ष, आप जैसे बहुत सारे यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जैसे कि ललितपुर से भी बहुत सारा फोन आया था कुछ देर पहले, और वो लोग भी बता रहे थे कि भैया हम लोग ईंटा भट्टी में काम करते, 50 की संख्या में लगभग हम लोग है, काम धंधा नहीं चल रहा है, कह के उन लोगों की समस्या हम लोग को सुनने को मिला। लेकिन कार्यक्रम के लास्ट मतलब कुछ ही देर था हम लोग का बाकी शुरू करने में, इसीलिए हम नहीं कांटेक्ट कर पाए सभी लोग से। और मैं कल सर, हम लोग 1 महीना जो काम किए हैं ना, तो उससे हम लोग अभी तक खर्चा हम लोग चला पाए। जी 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 जी। अब जो प्रॉब्लम होगा, जो कि हम लोग कहाँ से ये करेंगे, ये लेके सर हम लोग सोचे जो कि या तो घर जाने का ही हम लोग का रास्ता मिल जाता है, कोई पेपर बन जाता। तो ये POP जो कंपनी है, POP में आप लोग काम करते हैं? ये कंपनी नहीं है सर। ये कंपनी नहीं है? नहीं सर। क्या घर का डिजाइन जो बनता है ना? अच्छा, राजमिस्त्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है? हाँ जी सर। ठीका वगैरह लेकर के काम करते हैं आप लोग? हाँ जी सर, ठीका किसी और ठेकेदार का था, तो वो ठेकेदार छोड़ दिया, तो हम लोग हाजी के थ्रू काम कर रहे थे सर। मालिक के थ्रू मतलब घर बेटी के थ्रू ही काम करते थे आप लोग? हाँ जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसके बारे में जरूर हम कल के दिन में क्या सहयोग हो सकेगा हम लोग के माध्यम से, और संबंधित निकाय जैसे कि इंडियन MBC के ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इंडियन जनता नेपाल में अभी लॉकडाउन के दौरान फंसे पड़े हैं, तो उन लोगों का भारत तक पहुँचाया जाए, अपने अपने घर तक उन लोगों को भेजा जाए, क्योंकि लॉकडाउन का वही तो सर, जिस समय जो फॉर्म जमा होना चालू हुआ तो उसी के दूसरे दिन हम लोग जाके फॉर्म भर दिए, उसे आधार कार्ड का नंबर मांग किया, आधार कार्ड का नंबर दे रखे, सारे जितना हम लोग का एड्रेस, लोकल एड्रेस, यहाँ का एड्रेस, सारी चीज दे रखे है सर जी। आज अभी तक उनको रोज फोन करते है, तो बस इतना ही बोलता है जो कि हम लोग लगे हुए है, हम लोग लगे हुए है सर, तब तक ये चलेगा? ये तो कुछ रीजन बता ही नहीं रहे जो कि ये ऐसा कब तक चलेगा। आपका नंबर हम लोग रिपोर्ट कर लिए हैं, रजिस्टर हो चुका है, और इसके बारे में हम पता करने की कोशिश करेंगे सर। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, रेडियो भोजपुरी FM 92.8 MHz के माध्यम से कार्यक्रम सुनतानी, ऐसा बहुत श्रोता लोग फसल बानी अभी, नेपाली श्रोता लोग, नेपाली जनता भारत में फसल बानी, सीमावर्ती क्षेत्र में भी अभी फसल बानी, और ऐसा ही अपने के बहुत ऐसा नेपाली श्रोता लोग के, नेपाली जनता लोग के विदेश में मलेशिया, दुबई, कतार जैसा अन्य तेसरो मुल्क में वहाँ लोग बानी, और वहाँ पर भी वहाँ लोग के वीसा के डेट कहीं ना कहीं से ओवर हो चुकल बाटे, जेकरा कारण से वहाँ लोग नेपाल आवे के चाहतानी, और नेपाल के फ्लाइट जोन बाटे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कल गए बाटे, जेकरा कारण से अनेकों समस्या सबके बारे में हमनिक सुने के मिलता, और ये सब समस्या के समाधान जल्दी होके संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण होके
नेपाली जनता या इंडियन भारतीय जनता नेपाल में बानी वहाँ लोग के अनेकों समस्या से जूझे के पड़ रहा बाटे, खाना के अभाव बाटे, रहे के खातिर घर भाड़ा के अभाव बाटे, अनेकों समस्या सब बाटे। इस समस्या के समाधान करे भारत सरकार नेपाल सरकार जोन कूटनैतिक संबंध बाटे, जोन तरीका से निकास बाटे, हरेक देश के यहाँ पर अपने के एमबीसी बाटे, एमबीसी के माध्यम से समस्या के समाधान हो सकता। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार। हेलो जी जी स्वागत व कार्यक्रम में, अपने के कहाँ से के बानी, कहाँ से? अपने के मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम बाटे, नेटवर्क ठीक करके फिर से कार्यक्रम में जुड़े के प्रयास करी। रेडियो भोजपुरिया 92.8 मेगाहर्ज के नंबर 98013-65013 अपने सभी नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में आ सकता नहीं। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी अपने? सर हम सकुआ पुरसोनी गाँवपालिका वार्ड नंबर 6 लखनपुर से बनी, कन्हैया शाह। कन्हैया शाह जी। हाँ सर। कैसा समाचार बा कन्हैया शाह जी? सर सब ठीक बा, यानी के समाचार। सकुआ पुरसोनी जनता के लेखा अभी अपने के गांव ठाव में बानी लॉकडाउन के पालना करता नहीं कि ना? अब तो लॉकडाउन बहुत फितलो हो चुकल बाटे, लेकिन जनता इस चीज के मानत नहीं कि ना? लॉकडाउन के पालना होता, वैसी बात नहीं है। अच्छा, अनुशासन में बानी होता, दूरी दूरी से काम होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान लोग के खातिर ही विशेष करके अब कृषि के मेन जोन होला, धान खेती अब शुरू होके वाला बाटे, और ये जरूरी भी बात थोड़ा सा। खेती बाड़ी के काम तो करे के तो हम के ये आधार बा। जी 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 जी। दूसर अब तो मनिये जो कमीनी तो मिनी तो 2-3 महीना से मराइए गई। देश नेपाल देश में इसने इसी योग्य लोग संतोर के सभी कमी बा। और क्या क्या कहे के चाहता नहीं अपने, कॉल जाओ सर। सर हम कहे के ये चाहता नहीं ना जे अब ये लॉकडाउन बहुत दिन हो गए, ज्यादा दिन बहुत, जहाँ के मैंने विदेश के लोग बन और इंडिया के लोग नेपाल में फसल बा, नेपाल के लोग इंडिया में फसल बा, एक कोनो निर्णय क के जल्दी खेती कर दी लोग तो लोग अपना समय से घर चल रही लोग तो खेती रही ना, तो अभी एक कोनो गारंटी नहीं कि फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी बढ़ते जाए घटते जाए, एक कोनो लिमिटेड नहीं कि जी कहाँ तक कोरोना वायरस ही फैलल बा कहाँ तक बा, और चेके भैल पर था लगे। चलिए कोई से हम ये कहता नहीं जे भाई फोन कर लो मन तो 2 महीना कहते रहन जो हम फंस गए बनी तो 2 महीना से पत्र बांध तुमको कोनो व्यवस्था व्यवस्था लगाओगा क्या? वो अपन चल जाए इंडिया में तो ट्रेन चलते बा, इंडिया में ट्रेन चलता है, चल जाए बेचारा अपना घर है। जी जी। अच्छा ली संबंधित निकाय के ये पर विशेष ध्यान आकर्षण होके, और बहुत बहुत धन्यवाद सर कन्हैया जी हमने के कार्यक्रम में सहभागी भनी जेकरा खातिर। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय श्रोता मित्र, भोजपुरी FM 92.8 मेगाहर्ज के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहल बानी, कार्यक्रम में अपने भी सहभागी हो सकता नहीं, अपने आइसोलेशन में बानी या अपने क्वारंटाइन में बानी, वहाँ पर असहज महसूस हो रहल बाटे, अपने के ध्यान नहीं खे दे डॉक्टर साहब लोग या संबंधित निकाय वाला लोग अपने के बुझाता कि हमने के यहाँ पर फंसा दिले बानी, सब चीज़ के बारे में भी अपने सब आवाज़ उठाएं। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से के बानी अपने? रक्सौल प्रखंड से, बिहार से कन्ना डुमरिया बोलत बानी सर। कन्ना डुमरिया बिहार से, नाम कथी बोल सर? एक बार फिर से नाम बताइए अपने। रामकांत बोल रहे सर। पूरा नाम नहीं है सुने पावत सर, अपने के मोबाइल में टावर नहीं है शायद, टावर ठीक करी तो नहीं। और रामकांत शाह बोल रहे। रामकांत शाह जी। हेलो जी 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 जी, कॉल जाओ कॉल जाओ। रामाकांत शाह जी, अपने के मोबाइल में टावर नहीं खे और भारत से बानी अपने, नेटवर्क प्रॉब्लम बा अपने के मोबाइल में, नेटवर्क ठीक करके बात करें तबे बात होके पाई, कैसे कि डिस्टर्ब चलता, अपने के आवाज़ ठीक से नहीं सुने पावत हमने के, और
लाखों जनता अभी हमनी के आवाज़ सुन रहा बानी, क्लियर आवाज़ आवे के पड़ल 9803065013 हमनी के स्टूडियो नंबर बाई, नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी। भोजपुरिया FM 92.8 MHz फेसबुक पेज से भी कार्यक्रम सुन रहा बानी अपने सब, फेसबुक पेज के माध्यम से भी अपने सब कार्यक्रम में अपन गाँव ठाँव के बारे में जानकारी गिरा सकतानी। अगर फोन नहीं लागत तो सुनील कुमार यादव जी सरलाही से वहाँ लिख रहा बने, सरलाही में तो अभी हाल बेहाल बा ए भैया, कैसन हाल बेहाल बाटे, अनेकों प्रकार के समस्या से बाटे, समस्या के बारे में खोल के बोले लिखेम। हाँ हेलो नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बनी अपने? कन्हैया तिवारी जी। जी भैया, जी 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 कन्हैया तिवारी जी। जी भैया, क्या कहे के चाहता नहीं अपने? भैया हम कॉल में जो बैंक का जो कहाँ भैया खुलता है ना, बैंक से खुला था ठीक बा जी, रोआ उन सरकारी या किस्ता वाला वो कहाँ खुलता था, उसे ना खुली क्या हुआ, कहती हो में से पैसा निकाले के बा गरीब आदमी काम, बैंक से तो खुला था टे अपने कहाँ रानी घाट के बानी जी, बैंक कौन कहाँ मधुबनी हासो मधुबनी, हम यहाँ डरा लेकर रहे नहीं है कमानी खाली तो कमू बंद हुई बा गाँव में। अच्छा, तो मतलब कोना बैंक में पैसा निकाले के चाहता नहीं, कोना बैंक में से के तो कोना जगह बैठे जी, रॉयल सस्ता बैंक बा वहाँ नेशनल ट्रेन सुन नहीं हुई में से, तो एक बार ये ऐसे करी ना अपने उधर घूमते घूमते जा सकता नहीं रानी घाट से, अब जो ना टाइम में लॉकडाउन खुला था वो बेरिया जाके देख के आई अपने मास्क वगैरह लगा के जब। आज भैया दूर नहीं सुन नहीं 11-12 बजे करीब में ना खुलर लगा, तो तर नंबर लिखल ना रहे बोर्ड पर, नंबर लिखल और फोन नहीं करा ना ना, ओकर कर्मचारी लोग के भी नंबर हो कि बोर्ड पर, बोर्ड देखनी है कि ना, ओकर बोर्ड देखनी है तो एक एक नंबर बैठा हूं तो नंबर लगा दें तो फोन नहीं करा, खाली CDM के नंबर बैठे ऑफिस के जी, तो CDM ऑफिस में बैठे तो कहां सुचारू हो कि ऑफिस खुली तबे ऊपर फोन लागी जी, वो नंबर 9803333344 इस नंबर पर ट्राई करत रहे न, फोन तो लगबे करी ऐसा बात नहीं के, एक और अन्य अन्य औरी शाखा सब बाटे, शाखा सब औरी दोसर शाखा सब बाटे कि ना ई बैंक के बिना अगर बस शाखा के नाम तो मालूम नहीं है, ये तो अपने का रसूल करते रहे कॉल के खुलवाई थी जी जी, तो हमने के ओकर शाखा के बारे में एक बार फिर से नाम बताए तो बैंक के नाम अपने कोई था सस्ता बैंक सहकारी सिंह का बा रॉयल, हाँ रॉयल सस्ता बैंक रॉयल संस्था जी, रॉयल संस्था कथी सहकारी है जी, सहकारी है सहकारी जी, एक बारे में हमने के पता करो तनी कार्यक्रम समाप्त भइला के बाद में, और अपने के नंबर ये अपने के बटे जी, हमारे निजी नंबर बा, अपन नंबर बताइए 9802755417। धन्यवाद, नमस्कार कन्हैया जी। नमस्कार भैया। आदरणीय श्रोता मित्र संजय कुमार महतो जी फेसबुक के माध्यम से नाइस प्रोग्राम बा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार महतो जी, कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से भी श्रोता लोग सुन रहा बानी देख रहा बानी, और 9803065013 के माध्यम से कार्यक्रम में अपने सब सहभागी हो सकता नहीं, अपना गाँव ठाँव के बारे में विशेष जानकारी हमनी के माध्यम से संबंधित निकास तक कर सकता नहीं अपने सब, जनता के आवाज़ कार्यक्रम जन आवाज़ भैला के कारण से जनता और संबंधित निकाय के हमनी के प्रयास होकेला जोड़े के, बहुत ऐसा संबंधित निकाय वाला लोग के हमनी के जुड़े से चूक जाए नहीं लेकिन प्रयास करे नहीं। आदरणीय श्रोता 9803065013 इन नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में अपने सब सहभागी हो सकता नहीं, कार्यक्रम भोजपुरिया FM 92.8 MHz के माध्यम से सुन रहा बानी अपने सब, और विश्व भर में COVID-19 यानी कि नोबेल कोरोना वायरस के कारण से ये जोन महामारी कहीं ना कहीं से विश्व भर में फैलल बाटे, नेपाल में भी ये महामारी के कारण से यहाँ के जनजीवन एकदम कष्टकर हो चुकल बा, और विशेष करके जे अति कमजोर बानी विपन्न वर्ग के लोग बानी गरीब बानी वहाँ लोग के और ज़्यादा समस्या सब देखे के मिलताटे, तो कहीं ना कहीं से आज के दिन में ये सब समस्या के
सामना करते, सभी समस्या से जूझते, हमनी के थोड़ा सा इस चीज़ के ध्यान भी देवे के पड़ी कि लॉकडाउन ही एक और नंबर वन दवाई बाटे। लॉकडाउन के हमनी के पालना करे में कहीं ना कहीं से भूल चूक अगल करता नहीं, तो बिहान के दिन में अनेकों समस्या और ज़्यादा जटिल समस्या से हमनी के सामना करे के पड़ी। यही से लॉकडाउन के पूर्ण रूप से पालना करी और साबुन पानी से हाथ जरूर धोल करी, घर से बाहर निकलता नहीं तब। केव श्रोता बानी फोन लाइन पर, माफ करें फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे, अपने हमने के फोन रिसीव कैले रहनी है, लेकिन अफसोस हुआ कि फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बा। कार्यक्रम में अपन भी बात सब रखे के पड़ेला, निरंतर ओकरा के राखत रहनी, तब तक थोड़ा देर होल्ड में भी रहें कुछ सेकेंड अपने। कार्यक्रम अपने सब फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहा बानी, फेसबुक पेज भोजपुरिया FM 92.8 MHz हमने के फेसबुक पेज बाटे, वही तरह से रेडियो सेट पर 92.8 MHz पर कार्यक्रम सुन रहा बानी, मोबाइल सेट पर सुनता नहीं, हमारो पात्रो एप्स के माध्यम से भी सुन रहा बानी। काल के दिन में हमने के कार्यक्रम संचालन करे ना पैनी, कहीं ना कहीं से कुछ भोजपुरिया FM में और थप प्रविधि सके जड़ान करे के दौरान काल के कार्यक्रम हमने के संचालन ना करे पैनी, और रात 9 बजे से हमने के कार्यक्रम लेकर के आए रहनी। आज फिर से सजिया 7 बजे से ही हमने के कार्यक्रम की निरंतरता राखेम, और ये कार्यक्रम हमने के प्रयास बाटे, ये कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों जनता के अनेकों समस्या सब सामना करे के मिल रहा बाटे आज के दिन में। विशेष करके किसान लोग के पास में पैसा नहीं खे, बीज कहीं ना कहीं से बीउ खाद ये सब इत्यादि किने के पड़ता, वहाँ लोग के समस्या पर भी संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार के ध्यान पहुँचे, और किसान लोग के भी उदार कर जाए। किसान अन्नदाता, वहाँ लोग के उपजावल अन्न के कारण से ही हमने के आज कहीं ना कहीं से आज हमने के सांस ले रहा बानी। तो अन्नदाता लोग के आज के जौन आषाढ़ महीना के पहलो दूसरों हफ्ता में बिया गिरावल जाला, और आषाढ़ जेठ महीना के पहलो दूसरों हफ्ता में बिया गिरावल जाला, आषाढ़ महीना के पहलो हफ्ता से ही रोपनी शुरू हो जाला, तो कहीं ना कहीं से वहाँ लोग के बीउ बीजन के खातिर मल खाद के खातिर कहीं ना कहीं से उपयुक्त वातावरण स्थानीय सरकार वाला लोग के भी एकरा ऊपर सोचे के पड़ल। दोसर बात, सरकार कहीं ना कहीं से बहुत ऐसा जगह पर असफल होके के राहत सामग्री वितरण करे से चूके के भी देखल जा रहा बाटे, तो इस चीज़ के रउआ हमनी जनता लोग मिल के भी अपना से भी वैसन एकदम अति विपन्न परिवार जौना के राहत सामग्री के कारण जान जोखिम में डाले के पड़ताटे, केहू के बाल बच्चा लोग केहू भूखे रहे पर मजबूर बानी खाद्यान्न के कारण से, तो हमनी के गांव ठाव में 10 गो युवा लोग मिल के वहाँ के खातिर चंदा उठा सकता नहीं। चाउर दाल अगर 2-2 किलो भी, 1-1 किलो भी हमनी के गाँव घर में घूम घूम के उठा लेता नहीं, तो वहाँ के परिवार के आवश्यकता पूरा हो सकता कह के हमनी के रउआ लोग से निहोरा करे के चाहे। हमनी के छठ पवनी मनावल जाला, बड़ी धूमधाम के साथ हमनी के छठ पवनी मनावे नहीं। छठ पवनी में राहत माफ करें चाउर दाल हमनी के संकलन करके लगभग 2-3 क्विंटल जितना चाउर संकलन करे में सफल हो जाए नहीं। हेलो नमस्कार, हेलो हेलो नमस्कार, माफ करें आदरणीय श्रोता, अपने की आवाज़ नहीं है सुनाई पड़त, और हम कहत रही है कि हमने के 2-3 क्विंटल चावल संकलन करके उसे अठजाम करेनी, ओकरा के पैसा में बदल देवे नहीं बेच के, वही तरह से भोज भतेर भी होखेला पूरा कहीं ना कहीं से गांव के टोल भर के जोन छठ पवनी व्रतालु लोग के घर के बाल बच्चा लोग छोटा छोटा और वहाँ के घर के अन्य अन्य आदमी लोग कहीं ना कहीं से छठ घाट पर रात के समय में रह के और वहीं पर खाना खाए के भोज खाए के हमनी के 2-3 क्विंटल चावल तक उठावे में सफल हो जाए नहीं। ड्रामा नाटक खेले वाला लड़का लोग भी, युवा लोग भी ये चीज़ करे नहीं, और चावल वगैरह संकलन करके कहीं ना कहीं से पैसा में बदल के उसे डीजे वगैरह बना लेवे नहीं।
तो ऐसा आज के दिन में उ फॉर्मूला के अपनावे के पड़ल और आज के दिन में हमनी के डीजे नहीं के बनावे के आज के दिन में हमनी के स्टेज के भाड़ा नहीं के देवे के छठ घाट के खातिर भोज नहीं के करे के छठी माई के खातिर प्रसाद नहीं के किने के बस करे के बाटे तो केहू गरीब के केहू झोपड़ी वाला के घर में दू वक्त के खाना पुग सके करके ऐसा सहयोग करे के बाटे। जरूर अपने के बढ़िया लागत ऐसा काम करी, भगवान ऊपर वाला जरूर अपने के साथ इंसाफ करी। नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत बा कार्यक्रम में, कहाँ से के बानी? सर हम रमाकांत शाह बोला था सर। रमाकांत शाह जी कहल जाओ, का कहे के चाहता नहीं अपने? अपने के मोबाइल में टावर नहीं के, छत पर बाटे तो छत पर चहर के बात करते तो बड़ा बढ़िया रही, आवाज क्लियर सुनती हमनी के। रमाकांत जी अपने व्हाट्सएप पर फोन करी, तब फोन अपने करता नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ी अपने व्हाट्सएप हमनी के सिपूजन जी के कहता नहीं व्हाट्सएप खुला करे के, व्हाट्सएप के माध्यम से भारतीय श्रोता लोग जुड़े तो बात तो क्लियर होके पाई। संजय कुमार महतो जी आई एम आई ऑल्सो दिस प्रोग्राम सपोर्ट भैया, धन्यवाद। यहाँ के वहाँ के कह रहा बानी कि हमने के सपोर्ट करता नहीं कह के ऐसा काम करे के पड़ल। हेलो नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, रेडियो सेट अपने के बगल में बजता है, रेडियो सेट से तनका दूर जाके बात करिए अपने, कहाँ से के बानी? रविंदर राम जी। रविंदर जी वार्ड नंबर 3 पकहा मैनपुर गाँव पालिका, का कहे के चाहता नहीं कहल जाओ? कहे का मतलब का सर कि हमनी के जैसे राशन पताई के अभी जो नहीं 90 बुरा है राशन असर पताई के वो वार्ड है। हाँ हाँ 90 आदमी के खातिर जी, 90 आदमी के कहे का मतलब मैंने कस के बीपन खातिर है लखो कि ना नहीं तो गरीब बराबर मैंने जैसे बीपन में ओकर खाते है ना नहीं तो गरीब लोग के खातिर 90 गोइल रहे तो का अपने के नाम मिलल का? जी जी हमरा तो मिलल है ना के मैं हमनी का परिवार में गुजी की 5-6 दिन में एक आदमी मिले मिलल। समझ नहीं अब का मतलब का बा कि ओइसन ओइसन आदमी के मिलल बा चार चार पांच पांच हो के ओइसन ओइसन आदमी के मिलल बा कि ना मतलब चार कठा पांच कठा होके उहे लोग के मिलल बा जी जी में कोई बाकी कोनो अवस्था में तो मतलब कैसन अपने के विचार में धनिक लोग के मिलल बाटे कि गरीब लोग के मिलल बा? ना ना देखी सब कहे के मतलब का बा कि ओइसन आदमी के मिलल बा ना ओ कष्ट धनिक बा ना कोनो गरीब खाते ओइसन ओइसन आदमी के मिलल बा। तो रउआ के काहे ना मिलल, अपने का कहे के चाहता नहीं? जोन बात बाटे वो बात सीधा राखी ना कि हमरा नहीं खे मिलल, हमरा वो जरूरी रहे ना ना, हमरा नहीं खे मिलल उससे हमरा कोनो इतना नहीं, हम कहे के मतलब का बा कि जौन ओइसन आदमी कस के बा और जैसे हमारे बात मत ना अगर कट कर कट के तो हमारे तो बे जरूरी नहीं है। जी 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 ओइसन आदमी के बे जरूरी रखी ओकरा के नहीं खेता कट पर कट बोलो ओकरा दस पर खै निहार बा। मतलब सबसे ज्यादा गरीब जेबानी उहन लोग के मिले के पर रो ई चीज कहे के चाहता है जी। तो ऐसा लोग छूट में बानी का अपने के विचार में, अपने के नजर में? ना ना ऐसा अभी हम देखते हैं कि बहुत 3-4 बेसी लोग का तथा हमने तो ला माना तो जामा बुझी की पक्का मानपुर गाँव पलका वार्ड नंबर 3 में कौन भी पूछे पिछला टोला जन पहले के बारे में सबसे महागरी खाली लोग जा मैं कोई भी अलग दलित वर्ग ज्यादा बहुत दलित वर्ग में कोई चलने के पर्चा है खेल में वो मैं जामा अपने के बहुत आदमी बुझे की छूट गए बहुत आदमी मिलल बा अभी ना उसे हमें अपने से मैंने जानकारी कर चाहिए बात हमारे प्रश्न रहेंगे जी। जैसे कि अपने के नजर में कहता नहीं 3-4 आदमी छूट गई बनी ना और एकदम गरीब लोग बानी अति विपन्न लोग बानी वहाँ लोग कहे छूट गए, एक बारे में वड़ा अध्यक्ष से अपने के हमने के बात करके पूछी कि के लिखा?
जी भी बात भैल हो बात भैल हो तो कह के मतलब कहा कि वो आधा भी कहा था नहीं उनका गलती से हो गई आदमी छूटल बा मतलब कब ले कब ले अभियान परसों में कहनी आई तब राहत के सामग्री आई तब देम कि हमनी के अपना घरों से दो चार आदमी के जब सुकारता नहीं अपने कि फलनवा गरीब बाटे वहाँ के छूट गईला वहाँ के देना जरूरी बाटे तब कोनो जरूरी बाटे कि हमनी के राहत सामग्री आई तब दिहल जाई ऐसे तो अपनो घर से दो चार आदमी के दिहल जा सकता कोनो ना ना वैसे बहुत लोग कैले बा आज के दिन में अगर इलेक्शन रही वोट वाला काम आज हो तू खेला तर दारू को बीरो बिरयानी मिली तर वो लोग के तो संजोग कही कि दो साल अभी बाद बाटे इलेक्शन चलिए धन्यवाद एक बारे में हमनी के जैसे कि अपने कहनी है दो दिन के समय दिले बानी अपने के ना कहिया गोल रही है चलि तो हमनी के परसों तक देखल जाए दो दिन के बाद बाटे दो दिन के बाद में अगर नहीं दे तो बारे में फिर से और जे लोग के बारे में बताओ तनी वहाँ के कैसन बात दो दिन तीन दिन के आवश्यकता पूरा होके वाला जुगो तो खाना बाटे कि ना घर में चाउर के देखिए घर का सबसे तो पहले हमनी के देखिए दलित वर्ग में इतना ज्यादा हमनी कमजोर लोग बा सबसे ज्यादा हमनी के तीन नंबर वार्ड में दलित संख्या सबसे वो कोने सन दलित लगे कि माने चार काटा पांच काटा खेत होई दू काटा काटा घर के उ होइलो नै छै के उ के उसन बागी ना कमाई तो खइबो ना करी एबरा दीर्घ कर वाला रोजगारी करे वाला आदमी एबरा बढ़ गेल बा हाला बुरा कर्जा पैसा लेके खाता उबे एबरा कर्जा पैसा मानते जे एबरा गांव घर में बात कोई दे देता चाहे कोई ले लेता अच्छा एगो औरी चीज अपने जानकारी कराई पहिले से निष्पक्ष रूप में भइल बाटे कि ना एसे पहिले भी एक बारी राहत वितरण भइल रहे और दूसरो चरण पहिले तो ठीक भइल बा पहिले से भी ठीक बा मतलब विरोध भइल त ए पर संबंधित लोग के ध्यान आकर्षण भइल चलि धन्यवाद हमनी के एकरा बारे में फिर से पौछो या चौथा रोज हमनी के बतिया जाई अपने के वडा अध्यक्ष के सीधा कार्यक्रम में जुड़ेम और प्रयास करी वडा अध्यक्ष जी यहाँ के जे लोग चार आदमी छूट में बानी चार पाँच आदमी वहाँ लोग के आवश्यकता पूरा करवा देवे गरीब लोग के आज विशेष करके ध्यान देवे वाला वक्त बाटे और ये काम जरूर करे वहाँ के अगर नहीं की करो तो हमने के फिर कार्यक्रम में सीधा डायरेक्ट भोजपुरी एफएम पर पूछे में जोड़ के कैसन धन्यवाद नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र सजिया के 8 बज चुकल बाटे और कार्यक्रम अपने सब सुन रहल बानी 92.8 MHz पर ओसा ही www.radiobhojpuriafm.com पर और साथ साथ हमरो पात्रो एप्स के माध्यम से भी सुन रहल बानी और वही तरह से भोजपुरिया एफएम के जौन फेसबुक पेज बाटे भोजपुरिया एफएम 92.8 MHz यानी कि मेगाहर्ज फेसबुक के माध्यम से भी कार्यक्रम सब सुन रहल बानी अपने सब और आज के 17 से आज के श्रृंखला से हमनी के विदा मांगे चाहे फिर बिहान सजिया 7 बजे कार्यक्रम में सहभागी हमनी के होखेम और रात 9 बजे भी कार्यक्रम सब बाटे रात 9 बजे वाला भी कार्यक्रम जरूर सुने में अपने सब और अभिन के खातिर आज्ञा दी सुनत रही रेडियो भोजपुरिया एफएम 92.8 MHz भोजपुरिया एफएम 92.8 MHz
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी एफएम रेडियो। खून दान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज में। अभी संजिया के 8 बजे। भर्ना खुलियो। हैन के को भर्ना खुलियो थाहा छैन तिमीलाई। आफ्नै माउन्ट मकालु इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलमा 2077 को लागि कक्षा पीजी देखि कक्षा 9 सम्म धमाधम भर्ना भइरहेको छ। अनि यस स्कुलको विशेषता के हो त? दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिका द्वारा पठन पाठन गराइने, आफ्नै भवनमा सञ्चालित हुने, सफा वातावरण तथा होस्टलको व्यवस्था भएको, यातायातको व्यवस्था भएको, इन्भर्टर को व्यवस्था भएको, स्कुलमा मोबाइल एप्स को व्यवस्था भएको। त्यसो भए आफ्ना नानीहरुको नाम यही लेखाए सर्वोत्तम हुन्छ। सम्पर्कका लागि माउन्ट मकालु इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल, अशोक वाटिका, वीरगंज। फोन नम्बर 051-5253 र 98211-70400। ए भौजी, यतना सबेरे सबेरे काहे रोतारु हो? बबी का शादी फेर कट गए। तो ये बार बार बबिया के शादी काहे कट जाता हो भौजी? फेस में सफेद दाग के चलते नु शादी कट जाता चाचा। तो सुना भौजी, ये रोवल धोवल छोड़, अब बबी के लेके एसपी त्यागी सेवा सदन में चल जा, वहाँ डॉक्टर साहेब बैठेनी जी। एकरा अलावा सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज कर रहल बाड़न। और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिन्नता इत्यादि बीमारी के इलाज जड़ी बूटी द्वारा कर रहल बाड़न। और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा शुगर एवं पथरी के इलाज भी आयुर्वेदिक द्वारा करे लन। डॉक्टर साहब दर्द के स्पेशलिस्ट बाड़न। प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड के निकट भी मार्ट के बगल में, रविवार हरसिद्धी थाना के बगल में पूर्व प्रमुख राजा राम जी के मकान में, बुधवार नरकटियागंज कचहरी रोड मुख्तार खाना के बगल में, आ मोतिहारी LIC से पूरब आनंद होटल के नीचे, गुरुवार घोड़ा सहन स्टेट बैंक से 5 मकान पूरब सीताराम शाह जी के मकान में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन रक्सौल में डंकन हॉस्पिटल से पूरब पहला गली त्यागी जी के अपने मकान में। समझ गई ला? हो भाई, हम तो देखलो ही नहीं। तो डॉक्टर साहब के नंबर लिख लो, 99-55-94-94-53। ए का भल भौजी का रोत हो? देखी ना एबरा फेन बेहोश हो गइल बानी। ए तो रोत धोत काहे बाडू, इनका के ले चल ना डॉक्टर ओम प्रकाश लगे मोतिहारी में। जी, ओम साई हॉस्पिटल मोतिहारी में, जहाँ पर बैठे नी डॉक्टर ओम प्रकाश MBBS MD PGI चंडीगढ़, जहाँ पर मस्तिष्क रोग जैसे कि मिर्गी, लकवा, मिनिंजाइटिस, टेटनस, थायराइड, हार्ट अटैक, दमा, सांस फूलना, पेट से संबंधित बीमारियां, सांप काटने एवं जहर खाए व्यक्तियों का इलाज, जोड़ों का दर्द एवं बुखार जैसन बीमारी के बहुत ही बढ़िया इलाज होखेला। हमारी सुविधाएं सर्जरी विशेषज्ञ सर्जन द्वारा, डायलिसिस, कार्डियक बेड के साथ कार्डियक मॉनिटर, CCU ICU की सुविधा, 24 घंटे उपलब्ध सुविधा, चिकित्सक, दवा दुकान, एक्सरे, ECG, TMT, पैथोलॉजिकल जांच, अल्ट्रासाउंड एवं फोन पर नंबर लगाने की सुविधा उपलब्ध। संपर्क ओम साई हॉस्पिटल, स्थान हॉस्पिटल रोड, माई स्थान के नजदीक अगरवा मोतिहारी। मोबाइल नंबर 77819-85943 और 94-716-5065। डॉक्टर साहब देखी ना, मुँह पियरा गइल बा, आहा तो झंझनाता, का बायकर इलाज? देखी, अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी त हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेड, विश्वास के एक नाम, गुजरात ग्रोमेड के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज वे अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के सातवा स्टोमा क्यू, जौन, गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर। गुजरात क्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर।
लेके पूजा की थाली जो तुम मन की जगाली तेरी आरती उतारू बोली माँ। गोर लागता नी पंडित जी, ए पंडित जी नहीं की सुनत गोर लागता नी। अरे खुश रह बाबी जुग जुग जी है आ क्या समाचार बा। देखी ना पंडित जी पूजा के दिन नियर आ गई आ पूजा के कौनो सामग्री किनाइले नहीं खे। ए बाबी ता पूजा के संपूर्ण सामान ले आवे खातिर आनंद पूजा भंडार में चल जाए वहाँ के प्रोपराइटर बिल्टू शाह बाड़े सब सामान पूजा के एक ही जगह मिल जाये है। जी हमनी यहाँ जड़ी बूटी जड़ी जंतर प्रसूति मसाला एंड सोनारी सामान किराना सामान एवं अष्टजाम लखराओं यज्ञ के सभी सामान उचित मूल्य पर मिलेला साथे संपूर्ण पूजा सामग्री भंडार आनंद पूजा भंडार चावल बाजार रक्सौल पूर्वी चंपारण। प्रोपराइटर बिल्टू शाह संपर्क के खातिर मोबाइल नंबर 94702-38908 आ 62077-99813। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहां न्यूरो सर्जरी विभाग हड्डी रोग जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग महिला एवं प्रसूति रोग विभाग नवजात शिशु रोग विभाग नाक कान एवं गला रोग विभाग प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी डेंटल एवं मैक्सिलो फेशियल सर्जरी विभाग मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा